नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूं। आपकी आगामी भर्ती जिसकी आप सभी को बहुत ज्यादा प्रतीक्षा है, और वह भर्ती के लिए आपका टेंडर भी जारी कर दिया गया था। जैसे ही उत्तर प्रदेश ESI की आपकी परीक्षा कंप्लीट हुई थी 16 जून के बाद, उसका टेंडर भी निकाल दिया गया था। अभी तक यह जो भर्ती हुआ करती थी, यह आपके विभाग में कहीं ना कहीं प्रमोशन के जरिए या जो मृतक आश्रित हैं उनके जरिए पूरा की गई है। लेकिन इस भर्ती को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, इसके लिए रिटन एग्जाम करा के और नियुक्ति देने की प्रक्रिया कई दिनों से चल रही थी। इसका टेंडर भी जारी हो चुका है और हो सकता है आगामी जो आपकी कांस्टेबल की 10 जनवरी तक आने की संभावना है भर्ती, उसके साथ ही साथ रेडियो ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों वैकेंसी अभी आ जाए। 2900 पद हैं, जिसमें रेडियो जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में लगभग 600 कुछ पद आएंगे, और रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो इससे सबसे ज्यादा पद इस बार आने हैं। कई दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। आज चारों चीजों पर मैं आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करने वाला हूं, और एक अच्छा मौका है जो लोग अभी ESI की परीक्षा देकर आए हैं, अगर ये आपकी वैकेंसी आ जाती है तो आप सभी के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर आने वाला है। चलिए बात करते हैं कि इनमें क्या क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, DBPST, PET सारी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया को बहुत ढंग से समझेंगे। ये जो पद हैं, इसमें जो पद आने वाले हैं, टोटल जो आपकी ये वैकेंसी आने वाली है 2224 पद इसमें आने वाले हैं, यानी अच्छे खासे पद हैं। रेडियो ऑपरेटर, ये जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें आपके जो पद होते हैं चार तरीके के, वैसे छह तरीके के पद हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ चार तरीके के बता रहा हूं, क्योंकि चार तरीकों पर ही आपसे परीक्षा होनी है। एक तो आपका इसमें पद होता है प्रधान परिचालक यानी हेड रेडियो ऑपरेटर, और दूसरा होता है प्रधान परिचालक यांत्रिक। ये दोनों एक साथ आपके पद एक में ही लिखे जाते हैं, और इस 2244 पद हैं इनमें इनकी वैकेंसी 828 पोस्ट है। 828 इन दोनों को मिलाकर है प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक, हेड मैकेनिक ऑपरेटर, ठीक है, दो को मिला के जो है 828 पद है। और जब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के पद, सहायक परिचालक की, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की, इसके सबसे ज्यादा पद 1300 पद बन रहे हैं। और जब हम बात करते हैं क्रमशाला कर्मचारी की, तो क्रमशाला कर्मचारी के रेडियो वर्कशॉप जो मैन है, इसके 116 पद बन रहे हैं। इसमें आपका जो उप निरीक्षक सहायक होता है, ठीक है, उसके भी पद होते हैं, और निरीक्षक आप जो है रेडियो के ऑपरेटर के भी पद होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों पद आपके प्रमोशन से ही भरे जाते हैं, ठीक है। इसमें ESI का भी पद होता है और आपके इंस्पेक्टर का भी पद होता है, दारोगा साहब का भी पद होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों पद सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन से भरे जाते हैं। और ये प्रमोशन आपका कब होता है, जब आपकी लगभग 7 से 8 साल की जो है सेवा पूरी हो जाएगी तो आप प्रमोशन से चले जाएंगे। और इसमें खासकर ये वाला जो पद है, इससे प्रमोशन के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इन सभी की आपकी। देखिए, एज लिमिटेशन की बात करें तो इसमें सब कुछ उत्तर प्रदेश ESI वाला है, सब कुछ 18 से 28, कई जगह पर आपको 18 से 25 भी मिलेगा, लेकिन इसमें सारी चीजें ESI वाली हैं, तो 18 से 28 आपके UER के लिए, जनरल के लिए, और 3 साल छूट OBC को दी जाती है, और 5 साल की छूट SC और ST वर्ग को दी जाती है, ठीक है। यह है इसकी आयु की अर्हता है। साथ ही साथ जब इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो आपके पद अलग अलग हैं, इन सभी की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे हम पहले बात करते हैं कर्मशाला कर्मचारी की, जो चौथी पोस्ट मैंने बताई थी, यह 12th या समकक्ष मांगता है। साथ ही साथ इसमें इसके साथ ही साथ ITI होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ट्रेड हो, या टेली कम्युनिकेशन हो, या इलेक्ट्रिकल आपके पास रहा हो ITI, या कंप्यूटर साइंस, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या रेडियो एंड टेलीविजन मैकेनिक, ITI का एक ट्रेड है, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, या रेफ्रिजरेशन से आपने किया, या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटन से आपने किया है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक से किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से किया है, इनका प्रमाण पत्र या समकक्ष। अब समकक्ष वाले में हो सकता है कि इसमें डिप्लोमा धारी को भी वरीयता दे दे, और साथ ही साथ हो सकता है बीटेक वालों को भी वरीयता मिल जाए, ठीक है। तो इसमें बीटेक वाले भी आपके अलाउ हो सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अलाउ हो सकते हैं, ठीक है। ये चीजें जब आपकी विज्ञप्ति जारी होगी तभी कंफर्म हो पाएगा, लेकिन 12th के साथ ITI मांगता है, ये आप ध्यान रखिएगा।
अगले पद की जब हम बात करते हैं, जैसे आपका जो दूसरा पद है जिसके सबसे ज्यादा पद 1300 पद है, यह एक ऐसी वैकेंसी है जिनके पास पीसीएम है या समकक्ष है, जिनके पास पीसीएम है या समकक्ष। अब समकक्ष वाले में जो पहली वाली मैंने आपको बताई है कि 12 के साथ आईटीआई के तमाम सेगमेंट, उन लोगों को भी अलाउ करेगा, उन लोगों को भी अलाउ करेगा, या जिनके पास 12th में पीसीएम है वो लोग यहां पर अलाउ हो जाएंगे। तो जिनके पास पीसीएम रहा है वो लोग इसके लिए आपके क्या है, इस पद के लिए योग्य है। 1300 पद है, अच्छी खासी वैकेंसी है, तो पीसीएम वालों को निराश नहीं होना है। सी जो तीसरा टाइप का है, प्रधान परिचालक या प्रधान परिचालक यांत्रिक, इसके लिए जब हम बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल या आपका कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल, इन सब में 3 वर्ष डिप्लोमा या समकक्ष। अब इसमें समकक्ष में तो बीटेक आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है, इसमें आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगता है या समकक्ष, तो इसमें आपका बीटेक वाले अलाउ ही अलाउ होंगे, जो प्रधान परिचालक या प्रधान परिचालक यांत्रिक वाली वैकेंसी है, ठीक है। इसके 828 पद है, अच्छे खासे पद आ रहे हैं। जो रेडियो ऑपरेटर जो है ये असिस्टेंट वाला है, 1300 पद है, इसमें पीसीएम है, और पीसीएम के साथ ही साथ आपका क्या कर रहा है, जो 12th और प्लस आईटीआई वाला ट्रेड वाला पहला वाला था, उन लोगों को भी अलाउ कर सकता है। ये विज्ञप्ति आने पर कंफर्म होगा, लेकिन इससे पहले वाली चीजें जो थी उसमें सारी चीजें आपकी प्रमोशन के द्वारा ही होती थी। ये आपके 2224 पद आपके पहली बार, ये 2016 से प्रक्रिया आपकी चल रही है, 2016 से लगातार चल रही है और अभी तक वैकेंसी नहीं है, लेकिन जब आपका एसआई वाली परीक्षा समाप्त हुई थी तो उसके बाद इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए थे, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि अन्य चीजें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिए इसमें पीएसटी जो आपका है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, शारीरिक मानक परीक्षण होगा, और क्या मानक लिए जाते हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए, चाहे वो जनरल का है, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, इन तीनों के लिए जो ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी कैंडिडेट है इनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपकी जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, और साथ ही साथ जो आपके एससी कैंडिडेट है, इन तीनों के लिए न्यूनतम जो आपके सीने का मानक होना चाहिए वो 79 होना चाहिए सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब जो एसआई में चल रहा है। और जो एसटी कैंडिडेट है इनके लिए 77 से 82 की सीमा रखी गई है, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए जो हाइट रखी गई 152 सेंटीमीटर, यूआर, ओबीसी और एससी तीनों कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल में एक चीज की गई है कि इसमें मिनिमम वेट की चर्चा की गई है कि 40 किलोग्राम से कम वेट नहीं होना चाहिए, किसी भी दशा में 40 किलोग्राम से नीचे वेट फीमेल का नहीं होना चाहिए, और हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसमें बात करते हैं, ये तो आपका पीएसटी वाला सेगमेंट हो गया, पीएसटी वाले सेगमेंट के बाद इसमें पीटी भी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा, 4.8 किलोमीटर दौड़ना है जो मेल कैंडिडेट है, 28 मिनट में, दरोगा वाली ही आपकी रेस है, एसआई वाली, और 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना है 16 मिनट में, ठीक है। इसके बाद जो है जब हम बात करते हैं, ये सब तो प्रक्रिया आपकी बाद में चलती है, फॉर्म भरने के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होता है, आइए इसके रिटर्न एग्जाम पर चर्चा करते हैं। इसका जो रिटर्न एग्जाम है 400 अंक का होता है, ठीक है, जैसा कि आपका एसआई का रहा। इसमें सामान्य हिंदी 100 अंक के आते हैं, ठीक है, दूसरा आपका विषय होता है विज्ञान और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान, एसआई में आपका संविधान मूल और फिर आपका जो है अन्य चीजें जोड़ता है, सामान्य ज्ञान उसके साथ जोड़ता है, ठीक है, मूल विधि, संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान, यहां पर विज्ञान और सामान्य ज्ञान दो चीजें रहती हैं, यानी 100 अंक के आते हैं तो एक तरीके से आप ये देखेगा कि 40 अंक के इसमें साइंस आपके होंगे और 60 क्वेश्चन आपके जीएस से होते हैं, क्योंकि विज्ञान इसमें अलग लिखा है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन आपसे विज्ञान के अतिरिक्त सवाल पूछे जाएंगे, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें तीसरा जो आपका जो है विषय है वो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, 100 अंक की जो है प्रश्न इससे होंगे, और मानसिक अभिरक्ष परीक्षण, बुद्धिलग्न तार्किक परीक्षा, इसमें भी 100 अंक होंगे, ठीक है, यानी 400 अंकों का। अब ये हो सकता है कि आपका 400 अंक जैसे एसआई में 160 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, पूरा अनुमान है कि इसमें भी 160 क्वेश्चन रहेंगे और आपका एक क्वेश्चन 2.5 अंकों का जैसा चल रहा है, 400 अंकों का आपका ये पूरा का पूरा पेपर बनेगा, ठीक है।
160 क्वेश्चन 400 अंक के हो सकते हैं। और इसमें अभी तक जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो 50% हर एक सेक्शन में लाना अनिवार्य था। अब हो सकता है कि जैसे एसआई में 35% हर सेक्शन में हुआ, ओवरऑल 50% किया गया, इसके होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, कि हर एक सेक्शन में आपके 35% हो। लेकिन जब ये बना था तब इसमें 50% किया गया था, लेकिन वो जब प्रक्रिया आपकी शुरुआत की गई थी तो वो पुरानी प्रक्रिया थी, ये ध्यान रखेगा, ठीक। यानी हो सकता है कि इसमें भी आपका हर सेक्शन में 35% और ओवरऑल 50% वाली क्राइटेरिया जो एसआई की परीक्षा में देखने को मिली वैसा ही किया जाए। अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि पाठ्यक्रम जो आपका दिया है, जैसे क्रमशाला कर्मचारी के लिए, इसमें लिखित परीक्षा सभी के लिए पाठ्यक्रम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। क्रमशाला कर्मचारी के लिए जब हम बात करते हैं, वर्कशॉप मैन के लिए, तो इसके लिए भी आपका वही 4 सेगमेंट आने हैं, 400 अंकों की परीक्षा है और 160 प्रश्न जहां तक आपसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2.5 अंक का और 400 अंक के पूरे आपके प्रश्न होंगे। एक मैं आपसे क्रमशाला कर्मचारी, इसमें पूछा क्या जाएगा, सामान्य हिंदी में आपका वही सिलेबस है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भुतसम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, मतलब जो एएसआई वाला रहा, आपठित बोध भी रहेगा, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार विविध, मतलब पूरा का पूरा आपका जैसा उसमें एएसआई वाला आपका हिंदी का पाठ्यक्रम था पूरा वही पाठ्यक्रम है। दूसरी चीज इसमें, ये तो हिंदी से हो गई, दूसरा आपका विज्ञान या सामान्य ज्ञान है, इससे विज्ञान के अंतर्गत आपसे द्रव्य के बारे में पूछेगा, प्रकृति एवं व्यवहार, अणु एवं परमाणु की संरचना, गति एवं बल, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण, रासायनिक पदार्थ के बारे में, प्रकृति एवं व्यवहार, अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत का प्रभाव, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत, ये फिजिक्स के अंतर्गत। और फिर आपसे पूछेगा सामान्य ज्ञान, इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, एएसआई वाला ही पूरा है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, जो एएसआई का आपका पाठ्यक्रम था पूरा पाठ्यक्रम इसका वही है, ठीक है। ये क्रमशाला कर्मचारी की हम बात कर रहे थे। तीसरा जो इसमें आपका शामिल किया गया, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें आपका मैथ है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत समय और कार्य, समय दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन भी है, अंक गणितीय संगणना एवं विश्लेषणात्मक कार्य और विविध, ये आपके मैथ के अंतर्गत है। मानसिक योग्यता परीक्षा में तार्किक आरेख पूछेगा, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और आपके संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, यह सब आपके इन दोनों पोर्शन से रहेंगे। जब हम बात करते हैं मानसिक अवरेज परीक्षा, मेंटल एप्टीट्यूड वाला, जो चीजें आपने एसआई में पढ़ा वो चीजें होंगी, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, रैंकिंग, मतलब जो एएसआई में मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस था वही सिलेबस इसमें पूरा का पूरा आपका है। ऐसे बुद्धिलब्ध परीक्षा से भी पूछेगा, ठीक है, वही है आपका संबंधियों मानसिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख,
चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण क्रम में व्यवस्थित करना। तार्किक परीक्षा, इसमें आपका समरूपता हो गया, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण संबंध, अंक गणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतिकूल तथा संबंधों में सामंजस्य की क्षमता। एक बार अगर आप पेपर देकर आए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जिन्होंने अभी एसआई दिया, एएसआई दिया, लगभग आपका पाठ्यक्रम वही जा रहा है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। सहायक परिचालक की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिखित परीक्षा आपका वही है, ठीक है, ज्ञान 400 अंक आपके आएंगे और 160 आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम में, तो इसके पाठ्यक्रम में हिंदी आपका वही है जो हिंदी उसमें दी गई थी, ठीक है। विज्ञान भी आपका इसमें थोड़ी बहुत आपको चीजें जो है परिवर्तित मिलेगी। जैसे इसके विज्ञान में आप देखिए, इसके विज्ञान में थोड़ा सा बदलाव मिलता है। भौतिकी जगत तथा मापन, ठीक है, कक्षा 10 वाली शुरुआत किया। शुद्ध गतिकी, ठीक है, जो आप 11-12 में उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले पढ़े हैं। गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर वैद्युतिकी, मतलब कक्षा 12 वाला सिलेबस, पीसीएम से मांगा तो पीसीएम वाला सिलेबस भी पूछ रहा। वैद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ठीक है, सारी चीजें कक्षा 12 की आपको दिया है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक शक्तियां, संचार व्यवस्था प्रणाली, प्रकाशकीय, हाँ प्रकाशकीय, ये मतलब आपका जो कक्षा 12 में आप लोगों ने पढ़ा, 11-12 जो उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले होंगे, ये पूरा का पूरा सिलेबस वो है। पीसीएम जो मांगा है, मतलब इसमें आपको अच्छी मेहनत देनी पड़ेगी, तो इससे सवाल जो बनेंगे वो उनके स्टैंडर्ड आपके काफी अच्छे बनेंगे। अब बात करते हैं इसमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत वही है जो आपका वहां से दिया था, वही चीजें इसमें सब कुछ दे दी गई है, कुछ भी अलग से नहीं है, जो वहां पर आपने पढ़ा था वही चीजें यहां पर भी हैं। जब हम बात करते हैं संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, तो जो वहां पर है आपका मैथ का सिलेबस, वही सिलेबस यहां पर भी है, वही इसमें मानसिक योग्यता परीक्षा में भी है, और वही मानसिक अवरक्ष परीक्षा या बुद्धिलग्न परीक्षण में भी दिया गया है, ठीक है। तीनों चीजें वही आपकी सिलेबस है, बस इसमें विज्ञान में आपको जो है परिवर्तन, जब हम बात करते हैं जो हेड आपका रेडियो ऑपरेटर है या हेड रेडियो ऑपरेटर आपका मैकेनिकल है, मैकेनिक्स है, इसमें क्या है, देखो इसमें भी आपका वही है सिलेबस, आपका वही है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परिवर्तन, हिंदी का आपका पूरा वही पाठ्यक्रम है जो उसमें दिया था। साथ ही साथ जब इसमें हम विज्ञान वाली बात करते हैं तो विज्ञान में देखिए इसमें भी बदलाव है, इसमें विज्ञान कक्षा 10 स्तर का पूछ रहा है आपसे, जैसे इकाइयां, ठीक है, पहला चैप्टर, मापन एवं आयाम, सदिश अदिश राशियां, बल्ब एवं गति के नियम, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, घूर्णन गति, ग्रहों और उपग्रहों की गति, जल, वैद्युत रासायनिक प्रभाव, कार्बनिक यौगिक और प्लास्टिक, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत वही है सामान्य ज्ञान। दूसरा इसमें पॉइंट दिया है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ठीक है, एफडीआई, विश्व भूगोल तथा भारत का और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी करंट, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्व, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत पड़ोसी देश के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब सभी में कुछ ना कुछ बदलाव है पाठ्यक्रम में, सभी में कुछ ना कुछ आपके बदलाव है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा की बात करेंगे, इसके लिए आप रेडियो ऑपरेटर वाला जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, संकल्प बैच जो चलाया जा रहा उसमें 6 बैचों का सम्मिश्रण है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें रेडियो ऑपरेटर के बारे में आपको सारी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप डाल रहे तो उसका भी 6 बैच का एक साथ कॉम्बिनेशन दिया जा रहा, परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं, अभी उस पर भारी छूट भी चल रही है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें वही चीजें हैं, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम हो गया, रेशियो आपका हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई, ठीक है, वही चीजें जो उसमें है वही चीजें इसमें भी है, मानसिक योग्यता परीक्षा में भी वही है, मेंटल एप्टीट्यूड में भी आपका वही है, ठीक है, बुद्धिलग्न परीक्षा में भी वही है और तार्किक परीक्षा में भी है, मतलब सारी चीजें वही चल रही है। तो जिनके पास ये डिग्री आप रखते हैं तो आप सारे लोग तैयार हो जाए, मैंने पूरा पाठ्यक्रम आपको बता दिया है,
और ये पाठ्यक्रम आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड पुलिस बोर्ड की वेबसाइट से ही है, ठीक है, कहीं अलग से अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। आई वाली आप जब आपके तमाम वेबसाइटें चेक करेंगे तो कहीं 18 से 25 लिखा मिलेगा, कहीं 18 से 28, लेकिन इसमें सब कुछ एसआई वाला है तो 18 से 28 ही एज रहेगी, ठीक है। जो छूट वाला मैंने बताया वो छूट का रिलैक्सेशन रहेगा। अन्य कोई आपकी अभी भी दुविधा है बैच ज्वाइन करने से, कोई आपको जो है जानकारी चाहिए, नीचे आपके नंबर चल रहे 9450006007 9129697080, उन पर आपको कॉल कर लें। टेलीग्राम नीचे आपका लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई अन्य डाउट्स है तो यहां आप कमेंट में उनको कमेंट कीजिए, आपके जवाब दिए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके जो हित मित्र दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी अपने भविष्य के प्रति कहीं ना कहीं सजग हो जाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।